मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो चाहते हैं, हो सकता है कि मेरे पास वो नहीं है और आप जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप सत्य के बारे में कोई रूप और कोई आइडिया लेके जो आए हैं वो नहीं होगा एक्चुअली सत्य। तो जो आप मेरे से चाहते हैं वो आप ट्रूथ का जो इमेज बना के रखे हैं वो मेरे से चाहते हैं, जब मिलेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा, ये सोच लेना। और दूसरी बात ये है कि आप एक्सेप्शनल नहीं है, कि ये लोग जो सब बैठे हैं सब वही चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले चाहते हैं, ये सब लोग वही चाहते हैं। और ये मत सोचिए कि ये लोग सब आपसे कुछ कम हैं, नहीं हैं, ये लोग सब वही चाहते हैं, मगर ये लोग ऐसे चाहते हैं कि मुझे नहीं मालूम क्या मिलेगा, आपके पास जो है उसको दीजिए, ऐसे चाह रहे हैं। अगर आपके माइंड में एक आइडिया हो जाए कि यही मैं चाह रहा हूँ, तो मैं जब सत्य भी आपको दूंगा तो आपको लगेगा ये असत्य है। तो इसलिए जब कोई योगी या गुरु के पास आप जाते हो, रियली जो है तो जाते हो, आजकल शिष्य से ज़्यादा गुरु हैं संसार में, जब आप जाते हो तो ये समझ के जाना चाहिए कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं नए दौर से सीखने आया हूँ, ऐसा सोच के बैठना चाहिए। क्योंकि इतना नॉलेज इधर उधर आदमी के मगज ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है कि वो सब सत्य देने से भी बैरियर बन जाता है, अंदर नहीं घुसता है। तो इतना सोच के फिर हम करेंगे बात। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आप, मुझे मालूम है कि आप सिंसियर आदमी हैं, सिंसियरिटी आपके अंदर है तो ज़रूर आप चाहते हैं वो मिलेगा, मगर वो रूप नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, बस इतना ही चाहिए। समझ में आ गया? मैं आपकी सिंसियरिटी डाउट नहीं कर रहा, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैं जो जब आपको मिलेगा आपका माइंड थोड़ा क्लियर रहे कि वो रिसीव होगा, बस इतना ही। तो मेरे साथ लंबे समय तक रहना और मेरे साथ ये सब होगा, मगर मैं पहले आदमी को देखूंगा और समझूंगा कि क्या है इसका इंटेंशन, क्या है। इतने साल मैं अभी काम कर रहा हूँ सत्संग में, कोई भी ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला जिसको मैं बोले कि हाँ अब मैं जो काम कर रहा हूँ इसको ये कंटिन्यू करेगा, नहीं मिला कोई, अभी भी खोज में ही हूँ। जब मिलेगा, पता नहीं आप होंगे या कोई इधर होंगे, मुझे पता नहीं है, मगर ज़रूर ऐसे सोच के हम लोग अपना सत्संग लगाए रखें।